पार्लर में जाके 6-7 हज़ार का मेकअप करवाते हैं और फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो आज हम करने जा रहे हैं एक ब्राइडल मेकअप लुक। तो आईलिड को कंसील करके मैंने अच्छे से पाउडर सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ब्राउन कलर की शेड को एज अ ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ। आउटर वी में मैंने डार्क ब्राउन शेड को अप्लाई किया है और इसे क्रीज में ब्लेंड किया है। इनर वी पे मैं यहाँ पे गोल्डन शेड अप्लाई कर रही हूँ, इसकी हार्श लाइन को ब्लेंड कर रही हूँ। ऑफ कैमरा मैंने यहाँ पे लाइनर लगाया है। फेस पे डार्कनेस को हाइड करने के लिए यहाँ पे मैं करेक्शन कर रही हूँ। मेबलिन के फाउंडेशन को मैंने अप्लाई करके अच्छा सा यहाँ पे बेस बनाया है। देन इसके बाद मैं अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो बनी हुई नहीं है। क्रीम कॉन्टोर कर रही हूँ मैं फेस में डायमेंशन ऐड करने के लिए, फेस को स्लिम दिखाने के लिए। इसके साथ ही साथ फीचर को इन्हांस करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। मैंने डायरेक्ट चीक्स बोन पे ब्लश अप्लाई किया है ताकि मेरा फेस काफ़ी लिफ्टअप दिखे। ब्यूटी ब्लेंडर से पहले मैं यहाँ पे कॉन्टोर को ब्लेंड कर रही हूँ। देन इसके बाद मैंने ब्लश को अच्छे से ब्लेंड किया है पूरे ही बेस को। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी के लूज पाउडर से सेट किया है ताकि मेरा बेस क्रीज ना करे। ब्लश की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए अब मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मुस्कुराते हुए। लोअर लैश लाइन को मैंने यहाँ पे स्मोक इफेक्ट दिया है। अच्छे से मस्कारा अप्लाई करने के बाद, ये मैंने कोई लोकल से ब्रांड की लैशेज अप्लाई करी है। यहाँ पे मैं लव अर्थ की लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। सारे ही पाउडर को अच्छे से फेस से डस्ट ऑफ कर रही हूँ। हाइलाइटर से पहले मैंने सेटिंग स्प्रे लगाया है। देन इसके बाद मैं हाइलाइटिंग कर रही हूँ फेस पे। एंड आफ्टर हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी को पहनने के बाद दैट इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक इट गाइस। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।